राजसमंद जिले में चारभुजा से भटेवर तक निर्माणाधीन मेगा हाईवे के लिए अधिग्रहित किसानों की जमीन का मुआवजा लंबे समय से अटका होने को लेकर कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने बड़ा सवाल उठाए हैं। बल्कि उन्होंने जो कार्यरत मेगा हाईवे प्रोजेक्ट के अंदर जो संविदा पर कार्यरत अधिकारी व कार्मिक हैं उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही सुरेंद्र सिंह विधायक ने राजसमंद के जिला कलेक्टर को एक चेतावनी भरा पत्र लिखा है। इस पत्र में स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि इस प्रोजेक्ट में लंबे समय से किसान मुआवजे के लिए चक्कर लगा रहे हैं लेकिन तय समयावधि बीत जाने के बावजूद उन किसानों की जमीन अधिग्रहण होने के बावजूद उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया है और न ही कोई संतोषप्रद उन्हें जवाब दिया जा रहा है। इस कारण सभी जो पीड़ित किसान हैं वो इधर से उधर चक्कर काटने को मजबूर हैं। खास तौर से उन्होंने बताया कि चारभुजा से लेकर कुंभलगढ़ और खमनौर तक की जो किसान हैं तमाम जहां मेगा हाईवे निकल रहा है उनकी जो जमीन अधिग्रहण कर ली गई लेकिन मेगा हाईवे निर्माण का कार्य भी चल रहा है लेकिन हाईवे अथॉरिटी द्वारा जो भुगतान दिया जाना है मुआवजा राशि दी जानी है वह कहीं न कहीं देने में टालम टोल किया जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने संविदा पर कार्यरत प्रोजेक्ट के अधिकारी व कार्मिकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उन्होंने बताया कि इस भ्रष्टाचार के चलते ही किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है और इस कारण हाईवे अथॉरिटी के जिम्मेदार अधिकारी और कहीं न कहीं राजसमंद जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर की भी बेपरवाही उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर को उन्होंने पत्र जो लिखा है उसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि 15 दिन की समयावधि में अगर किसानों का समस्त भुगतान नहीं हुआ समस्त मुआवजा राशि नहीं मिली तो वे फिर उसके बाद धरना देंगे। इस तरह उन्होंने स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी है और चेतावनी पत्र उन्होंने जिला कलेक्टर राजसमंद को लिखा है और ख़ासतौर से इस प्रोजेक्ट में जो कार्मिक नियुक्त हैं संविदा कर्मी उनके भी नाम का इन्होंने स्पष्ट तौर पर जिक्र किया है। दो जो ग्रुप हैं फर्स्ट ग्रुप में महावीर व्यास कार्यकारी अधिकारी हैं, अनिल कुमार वसे वरिष्ठ सहायक, रंजना शर्मा कंप्यूटर ऑपरेटर और सोनलाल गुजर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ये फर्स्ट ग्रुप में हैं। और दूसरा ग्रुप है उसमें घनश्याम शर्मा कार्यकारी अधिकारी, श्याम सुंदर शर्मा सर्वेयर, ऋतु पालीवाल वरिष्ठ सहायक, अरविंद सिंह ऑपरेटर, रतन गुजर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ये दोनों ही ग्रुपों के कर्मचारी जो संविदा पर लगे हुए हैं इस हाईवे अथॉरिटी के अंतर्गत संविदा पर उस प्रोजेक्ट में उनके भी नाम का इनमें जिक्र किया है और साफ तौर उन्होंने स्पष्ट तौर पर जिला कलेक्टर से ये अनुरोध निर्देश दिए हैं कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त इन कर्मचारी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें और किसानों का जो मुआवजा अटका हुआ है वह जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। उन्होंने 15 दिन की समयावधि दी है, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, इसके बाद अगर भुगतान नहीं होता है तो उन्होंने धरना देने की चेतावनी दी है। ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में अब जिला कलेक्टर क्या कुछ एक्शन लेते हैं, क्या जो पीड़ित किसान हैं जिनको समय पर अब भुगतान होता है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ इसी तरह कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, भीम के विधायक हरी सिंह रावत और राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, इन तीनों ही विधायकों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को ज्ञापन भेजा है। उस ज्ञापन में मुख्य रूप से मांग की गई है, पहले यह जिक्र भी किया गया है कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है, उपाधि दी है, उसी तरह राजस्थान में भी गौ माता को, गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। उन्होंने पूरे पत्र में उल्लेख किया कि किस तरह से प्रदेश में गायों के संरक्षण संवर्धन के लिए सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें और क्या संभावनाएं दिखती हैं और ख़ास तौर से महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय का उन्होंने जिक्र किया है जहां पर गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है और उसी तरह अब राजस्थान में भी वह निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है। आने वाले समय में सरकार इस पर क्या कुछ कदम उठाती हैं यह भी देखने वाली बात होगी। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।